हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंस्टा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आया हूँ। आज मैं मटर पनीर बनाने जा रहा हूँ, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आती है, और मैं इसे एकदम नए तरीके से बनाने जा रहा हूँ। तो आइए, चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने 250 ग्राम पनीर ली है और 200 ग्राम मटर ली हुई है हमने, 4 टमाटर लिए हैं बड़े, 5 से 7 हरी मिर्च ली हुई है हमने, थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा लिया हुआ हमने, और 15-20 हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं, 4 बड़ी प्याज ली हुई हमने। तो सबसे पहले हम अदरक लहसुन एंड प्याज का पेस्ट बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे इसे, एंड साथ ही टमाटर भी ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हमने अपने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक काट लिए हैं, अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हमने इन्हें ग्राइंड कर लिया है। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा, और इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें अपना प्याज का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें इसे लाल होने तक फ्राई करना है अच्छे से, क्योंकि जितना अच्छा हमारा मसाला फ्राई होगा उतनी अच्छी हमारी सब्ज़ी बनेगी। तो हम इसे चला चला के अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए, हमारी सब्ज़ी का, देखिए हमारे मसाले का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हम इसे भी और पकाएंगे थोड़ा, हमें इसे लाल करना है। इसे चला चला के हम फ्राई करते रहेंगे। देखिए, लाल पड़ने लग गया है धीरे धीरे, और ये ऑयल भी छोड़ रहा है। अब हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। देखिए, ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हम अपना टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, जो हमने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, और इसे भी अच्छे से मिक्स करके हम इसे भी अब अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम इसमें। इसे हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे इसे। हमें मसाला अच्छे से फ्राई करना है अपना। अब इसमें मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच हमने नमक डाला है इसमें, 2 चम्मच नमक डाले हमने इसमें, एंड 2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हमने हल्दी डाली है, 2 चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। इसे चला चला के अच्छे से मिक्स करेंगे हम। उसके बाद कम से कम इसे हम 8 से 10 मिनट में इस मसाले को पकाएंगे। थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे 1 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से पकाएंगे हम मसाले को। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है मसाले में। अभी हम इसे थोड़ा और पकाएंगे, अभी हमारा मसाला पका नहीं है। इसे थोड़ी देर ढक के पका लेंगे हम। देखते हैं, चेक करते हैं हमारा मसाला। देखिए कितना अच्छा कलर आया इसमें, इसने ऑयल भी छोड़ रहा है धीरे धीरे। अभी इसे थोड़ी देर और पकाएंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, ये रेडी हो चुका है हमारा मसाला। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला एकदम रेडी है। अब इसमें मटर डाल देंगे अपनी, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में। हमने मटर मिक्स कर दिया मसाले में एकदम से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड हमारा मसाला मटर के साथ। इसे हम थोड़ी देर और चला चला के पकाएंगे ऐसे ही मसाले में। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। अब अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी रख सकते हैं इसमें, आपको कितनी ग्रेवी रखनी है उतना ही पानी डालें इसमें, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया जितना मुझे ग्रेवी चाहिए थी। आप उसे थोड़ा ज़्यादा ही पानी रखें, क्योंकि ये बॉईल होने में थोड़ा जलेगा भी। अब इसे हम इसे ढक के पका लेंगे थोड़ी देर। तो एक बार हम अपनी सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी सब्ज़ी बॉईल होने लग गई है। इसे थोड़ा चला देंगे हम। देखिए अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे अपने, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर।
इसे हम थोड़ी देर और ढक के पकाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं हम। देखिए हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है। अगर आपको इसे देखिए कितना अच्छा कलर आया, इसमें हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। इसे हम थोड़ी देर और ऐसे ही बॉईल होने देंगे, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। हमारी ग्रेवी भी काफ़ी थिक है। तो फ्रेंड्स हमारी सब्ज़ी हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे अपनी। देखिए फ्रेंड्स हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बन के एकदम रेडी है। कितनी अच्छी लग रही है ये, एक बार आप इसे खाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। तो एक बार इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं ऐसे ही नई नई रेसिपी आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।